तो आज हम है महिंद्रा शोरूम में और रिव्यू करेंगे इंडिया की मोस्ट फेमस एसयूवी महिंद्रा थार का। तो ये आप देख रहे हैं महिंद्रा थार का टॉप मोस्ट वेरिएंट, थार 4x4 CRDE AC वेरिएंट। कार में आपको मिलते हैं तीन वेरिएंट्स, DI 2 व्हील ड्राइव, DI 4 व्हील ड्राइव एंड CRDE 4x4 AC वेरिएंट, जो कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर कार की रेंज स्टार्ट होती है 6.4 लाख से और इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट जो कि अभी देख रहे हैं आप 9.15 लाख कॉस्ट करता है एक्स शोरूम। और कार को बिल्कुल रॉ लुक दी गई है, कोई फैंसी एक्सेसरीज नहीं मिलती कार में। और ये हैं कार के फ्रंट फेंडर्स, ये हैं कार की ट्रेडिशनल स्केटर हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स और ये फ्रंट ग्रिल के अंदर से आपको इसके रेडिएटर फैन भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ ग्रिल के नीचे की तरफ आपको मिलता है थार बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ। कार में आपको मिलते हैं 16 इंचेस के व्हील्स, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं कार में, पर आपको इन पर कैप लगी हुई मिलती है, व्हील कैप्स। इसमें आपको मिलती है सॉफ्ट टॉप रूफ। कार में 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, फेरी ब्लैक, रेड रेज, मिस्ट सिल्वर, रॉकी बीज एंड डायमंड वाइट कलर। तो चलिए अब एक वॉक राउंड देख लेते हैं कार का। यहाँ पर रियर साइड पर ये फ्यूल टैंक और फ्यूल टैंक के साथ में आपको ये मड फ्लैप्स मिल जाएंगे, ताकि पीछे जो इसके व्हीकल चल रहे हैं उस पर मिट्टी वगैरह ना उड़े। कार के रियर साइड पर बिल्कुल मिनिमल लुक है। यहाँ पर है थार बैजिंग और ये इसके स्टॉपिंग लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट। जो स्पेयर व्हील है कार का वो आपके रियर डोर पर माउंटेड है। ये कार की रियर सीट्स हैं जहाँ पर 6 लोग बैठ सकते हैं आराम से। बिल्कुल न्यू कार है तो अभी इस पर सारे ये प्लास्टिक वगैरह लगे हुए हैं। कार के पीछे की तरफ कार में एंटर करने के लिए यहाँ पर एक स्टेप दिया हुआ है, ताकि इजीली आराम से इसमें पैसेंजर्स चढ़ सकें। कार के साइड पर, रियर साइड पर आपको ये 4x4 बैजिंग मिल जाएगी और ये कार के व्हील कैप्स लगे होने के बाद का लुक। ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं कार में और यहाँ पर थार CRDE बैजिंग। तो चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इसका इंटीरियर। बिल्कुल सिंपल एंड मिनिमल डोर है कार का। ये इसका बीज कलर का डोर, मैनुअली कंट्रोल विंडो मिलेगी इसमें, कोई बॉटल होल्डर्स, कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगा इसमें। ये है इसके पैडल्स, लेदर पोलस्टर्ड सीट्स हैं कार में जो कि मैनुअली एडजस्टेबल हैं। ये इसके कुछ लाइट कंट्रोल्स और ड्राइवर साइड एसी वेंट। कार के डोर्स के नीचे आपको मिलता है साइड स्टेप, ताकि इजीली कार में आप एंटर हो सकें। यहाँ पर सेंटर कंसोल पे आपको एक थार लिखा हुआ मिलता है, अच्छा लगता है जो कि काफ़ी। कार के मैनुअली कंट्रोल एसी, यहाँ पर कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे और ये है इसका ग्लव बॉक्स। पीछे की तरफ आपको ये ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लीवर के साथ में ही मिलता है आपको ट्रांसफर केस लीवर, जिससे कि आप गाड़ी को 2-wheel ड्राइव या 4-wheel ड्राइव में सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। और ये है थार का 3-pod इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि लेफ्ट साइड में आपको मिलता है
इंजन हीटिंग इंडिकेशन, फ्यूल इंडिकेटर, और राइट साइड पर है टैकोमीटर और बीच में स्पीडोमीटर है जिसमें इसकी टॉप स्पीड लिखी हुई है 160। और ऊपर की तरफ ये इसके IRVM और सनशेड्स ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। कार की रूफ पर आपको मिलेंगे अंदर की तरफ रोल केज, जिससे कि अगर कार पलट भी जाए तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान या चोट नहीं लगेगी। तो चलिए अब इसका बोनेट ओपन करते हैं और इसका इंजन देखते हैं। अब कार के बोनेट के साथ में जो ये हुक्स दिए हुए हैं इनको उठाने के बाद ही हुड ओपन होता है कार का। तो ये आप देख रहे हैं थार का 4 सिलेंडर इनलाइन CRDE डीजल इंजन जो कि 2498 सीसी का है। 105 BHP पावर प्रोड्यूस करता है 3800 RPM एंड 247 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 1800 RPM। टर्बोचार्ज डीजल इंजन है ये और लगभग 13 किलोमीटर पर लीटर की आपको एवरेज दे देगा ये इंजन। 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है कार में। तो बस ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू महिंद्रा थार 4x4 का। उम्मीद है आपको कार पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को न्यू कार न्यूज़ एंड अपडेट्स पाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक कार का रिव्यू करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।